फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी। इससे पहले मैं एक वीडियो यूनिवर्सिटी ऑफ कामारेनो पे बना चुका हूं, जिस तरह उस यूनिवर्सिटी के अंदर सब स्टूडेंट को एडमिशन मिल जाता है नॉर्मली, और इस यूनिवर्सिटी के अंदर भी सबको एडमिशन मिल जाएगा। और इस यूनिवर्सिटी के अंदर भी आपको ना तो टोफल चाहिए ना आपको आइलेट्स चाहिए। हो सकता है बाद में शायद कोई हो, लेकिन फिलहाल ये अभी तक इस यूनिवर्सिटी के अंदर इस तरह की कोई डिमांड नहीं है। हो सकता है बाद में फ्यूचर में कुछ कर लें ये। अच्छा, अभी हम चलते हैं कि इसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे दूँ कि ये कौन कौन से कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं। इसकी अगर सबसे पहले मैं आपको इसकी रैंकिंग बता देता हूँ कि रैंकिंग इसकी क्या है। वर्ल्ड के अंदर इसकी जो रैंकिंग है वो 684 आती है। तो इस तरह आप कह सकते हैं ये भी वर्ल्ड की एक टॉप की यूनिवर्सिटी है। अभी हम चलते हैं कि इसके अंदर आप कोर्सेज़ कौन कौन से हैं। इसके अंदर ऑलमोस्ट जितने भी कोर्सेज़ हैं वो सारे जो कोर्सेज़ हैं वो आपको मिलेंगे कि वो इटालियन के अंदर हैं। सिर्फ एक दो दो तीन चार पांच कोर्स होंगे जो आपको मास्टर लेवल में वो भी होंगे, जो आपको फर्स्ट ईयर आपका इंग्लिश में होगा और सेकंड ईयर आपका इटालियन में होगा। लेकिन सिर्फ इस यूनिवर्सिटी के अंदर एक कोर्स ऐसा है जो इंग्लिश के अंदर हो रहा है, वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। वो है कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड साइबर सिक्योरिटी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये कोर्स सिर्फ इंग्लिश के अंदर है, बाकी जितने भी इसके कोर्सेज़ हैं वो इटालियन के अंदर हैं और इंग्लिश के अंदर हैं। फर्स्ट ईयर आपका इंग्लिश में होगा, सेकंड ईयर आपका इटालियन में होगा। और जो बैचलर के जितने भी कोर्सेज हैं वो सारे इटालियन में हैं। शायद एक दो कोर्स में से हों जो फर्स्ट ईयर आपका इंग्लिश में हो और बाकी जो हैं वो इटालियन में हों। जैसे मैं इसको देख लेता हूँ, फैकल्टी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड लॉ। इसके अंदर ये देखें, इसके अंदर भी जो इंटरमीडिएट का जो बैचलर लेवल के अंदर जो एक कोर्स है बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स, वो पहला साल इंग्लिश में है और जो सेकंड ईयर है वो, और जो बाकी जो साल हैं वो शायद वो दो पहले दो साल इंग्लिश में है और थर्ड ईयर इंग्लिश इटालियन में है। इसी तरह बाकी आप जितने भी मास्टर लेवल के कोर्सेज देख सकते हैं उसमें पहला साल इंग्लिश में है, फिर इटालियन, फिर इंग्लिश, और जो बाकी जितने भी बाकी जो कोर्स हैं वो टोटल इटालियन में है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे आ जाएँ फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज़ में, तो इसके अंदर भी देखें जितने बैचलर के कोर्सेज हैं वो इटालियन के अंदर हैं और इसके अंदर सिर्फ मास्टर के दो कोर्सेज हैं जो पहला साल इंग्लिश में और दूसरा इटालियन में है। ये तो इनके कोर्सेज हो गए। अभी हम चलते हैं कि आपने इसमें अप्लाई कैसे करना है। इसके लिए आपने इस पेज पर आ जाना है। इस पेज का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसके ऊपर आने के बाद आपने जब आप इस पेज के ऊपर आ जाएंगे, इस पेज पे आने के बाद सबसे पहले आपने अपनी रजिस्ट्रेशन करनी है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपने यहाँ पे क्लिक करके आपने रजिस्ट्रेशन पे आपने क्लिक कर देना है। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन यहाँ पे लिखा है वेब, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। इस पेज पे आने के बाद आपने यहाँ पे इसको टिक करके और अवंति पे आगे नेक्स्ट कर देना है। इस पेज पे आने के बाद आपने यहाँ पे अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ पाकिस्तान, ये आपने अपना जो दोनों सिटीज़न आपने पाकिस्तानी कर देनी है यहाँ पे। और उसके बाद ये जो आपका कोड है ये खुद ही जनरेट कर देगा जब आप यहाँ पे अवंति पे क्लिक करेंगे। इसके ऊपर आपने कुछ नहीं लिखना, जब ये यहाँ पे आप अवंति पे क्लिक करेंगे ये खुद ही जनरेट कर लेगा। इसके बाद आपने अवंति पे क्लिक करके नेक्स्ट पे चले जाना है। जैसे मैं इसको देखें करूँगा तो इसने खुद ही जनरेट कर लिया। उसके बाद आपने अवंति पे चले जाना है नेक्स्ट। यहाँ पे आने के बाद अभी आपने इस फॉर्म को फिल करना है। यहाँ पे आप अपना पासपोर्ट सेलेक्ट करके यहाँ पे पासपोर्ट नंबर, फिर इशू डेट और इशूड बाय, फिर उसके बाद इशू की डेट और उसकी एक्सपायरी डेट करके फिर अवंति पे चले जाएँ। यहाँ पे अवंति पे जाने के बाद जो नेक्स्ट पेज आ गया है यहाँ पे आपने अपना कंट्री का नाम, नीचे पोस्टल कोड, फिर एड्रेस, फिर हाउस नंबर, फिर उसके बाद कब से आप इस घर के अंदर रह रहे हैं इस एड्रेस में, आपने वो डेट यहाँ पे लिख देनी है। उसके बाद अपने टेलीफोन नंबर, और उसके बाद आपने इसको यस कर देना है कि मेरा जो डोमिसाइल है और जो मेरा रेजिडेंस है वो दोनों एक ही हैं, वो सेम ही एड्रेस है। उसके बाद फिर आपने इसको नेक्स्ट कर देना। अच्छा, इस पेज पर आने के बाद आपने यहाँ पर अपनी रेजिडेंस, यहाँ पर अपने दोनों जगहों पे अपना ईमेल एड्रेस, फिर यहाँ पे आपने अपना 92 जो है वो अपने कंट्री का कोड, यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर, फिर यहाँ पे अल्ट्रो अदर्स, उसके बाद यहाँ पे यस यस करके
आपने फिर इसको भी अवंती पे आपने नेक्स्ट पे आपने क्लिक कर देना। अवंती पे क्लिक करेंगे तो इस तरह करके आपके पास ये एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, खुल जाएगा। ये आपको बता रहा है कि जो जो चीज़ें आपने उसको दी हैं वो आप उसको वन बाय वन करके एक दफ़ा चेक कर लें कि वो ठीक हैं, जो चीज़ें आपने उसको प्रोवाइड की हैं इनको आप अपनी अच्छी तरह पढ़ के एक दफ़ा इसको चेक करें कि जो आपने इसको इन्फॉर्मेशन दी, इसलिए कि आपका आपकी हर चीज़ आपकी एक्यूरेट होनी चाहिए, आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ और आप बाकी जितनी भी चीज़ें। आप जब इसको कंफर्म कर लें हाँ ये सब कुछ ठीक है, तो उसके बाद आपने इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, कंफर्म, आपने इसको कंफर्म कर देना। कंफर्म करने के बाद इसने आपको ये आपको आपका एक यूज़र नेम बताएगा, यूज़र नेम के बाद ये आपको एक आपका एक पासवर्ड भी क्रिएट करके देगा, जो जो इसने अपना एक पासवर्ड बनाया है यहाँ पे। आपका ये आपका यूज़र नेम हो गया और नीचे आपका एक पासवर्ड बताएगा जो आपने पासवर्ड है आपका। आप इन दोनों चीज़ों को किसी जगह पे नोट कर लें, अपने यूज़र नेम को भी और पासवर्ड को भी, या फिर सिंपली जो है यहाँ से आप इसका अपने कंप्यूटर में सेव, तो यहाँ से इसका प्रिंट करके यहाँ पे प्रिंट पे दबाएं तो आपके कंप्यूटर में इसका एक जो है वो प्रिंट जो है वो खुद ब खुद ही यहाँ ये देखें डॉक्यूमेंट्स में आपका एक ये जो है ये प्रिंट जो है ये सेव हो गया। ये आपका अकाउंट क्रिएट हो गया। अकाउंट क्रिएट करने के बाद नेक्स्ट है कि आपने इसमें अब अप्लाई कैसे करना है। इस पेज पे आने के बाद आपने यहाँ पे जो अपना वो जो आपने अपना यूज़र नेम क्रिएट किया था और जो पासवर्ड था वो आपने यहाँ पे टाइप करना है और इसको आपने साइन इन करके एंटर कर दें। आप इसको एंटर करेंगे तो यहाँ पे ये जो आपने पेज क्रिएट किया था वो खुल गया है। यहाँ से अभी आपने जाके मेन्यू पे वापस जाना है, यहाँ पे आपने सेक्रेटरिया लिखा हुआ है, सेक्रेटरिया यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है। यहाँ से सेलेक्ट करके आपने जहाँ पे एडमिशन टेस्ट है यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने इसको भी लैंग्वेज को आप सेलेक्ट करके इसको आप यहाँ से भी रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करें। स्टेशन पे अब आप क्लिक करेंगे, इस वक्त ये बता रहा है कि कौन कौन से कोर्सेज ओपन है। इस वक्त स्पेशलाइजेशन स्कूल का कोर्स ओपन है और स्पेशलाइजेशन स्कूल 4 ईयर्स का कोर्स ओपन है। इसका मतलब है कि अभी तक इन्होंने अपने बैचलर के और मास्टर के जो प्रोग्राम है वो ओपन नहीं किए। ये कुछ स्पेशल टाइप के प्रोग्राम है जो उन्होंने ओपन किए हैं, इसलिए कई यूनिवर्सिटी में कुछ स्पेशल प्रोग्राम ऑफर हो रहे होते हैं जो मोस्टली वहीं के लोकल स्टूडेंट्स के लिए ओपन हो रहे हुए होते हैं। उसके अंदर वो लोकल उनके स्टूडेंट ही एडमिशन लेते हैं, इसलिए वो स्पेशल टाइप के प्रोग्राम होते हैं, तो वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए नहीं होते। तो फिलहाल लेकिन जब जैसे ही ये अपने प्रोग्राम को ओपन करेंगे मास्टर लेवल को और बैचलर के नॉर्मल प्रोग्राम्स को, तो वो भी यहाँ पे आ जाएंगे। उसको आपने यहाँ से फिर प्रोग्राम को सिलेक्ट करना है, उस प्रोग्राम को सिलेक्ट करके फिर आपने अवंती के ऊपर जाना है। ऐसे ही करके जब आप इस तरह करके जाएंगे, अभी तो ये इनके स्पेशल प्रोग्राम है ये इन्होंने ओपन किए हुए हैं वो हैं, लेकिन फिर वो वाले प्रोग्राम है वो भी यहाँ पे आ जाएंगे। अभी जैसे ये देखें ये भी एक स्पेशल प्रोग्राम है जो 4 ईयर वाला है, वो भी यहाँ पे ओपन है। अगर आप इसको भी चेक करें तो आप इसके ऊपर भी जाएं तो ये भी देखें 4 ईयर्स का उन्होंने लिखा है। नॉन मेडिकल, ये मेडिकल से रिलेटेड नहीं है, मेडिकल डॉक्टर का नहीं है, लेकिन वैसे स्पेशल प्रोग्राम है एक, जैसे इन्होंने लिखा हुआ है स्पेशलाइजेशन स्कूल इन मेडिकल जेनेटिक्स। इसका मतलब स्पेशल टाइप के ये कोर्सेज हैं जिसके अंदर स्पेशल आपको सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल स्टूडेंट जो हैं इन दोनों के अंदर एडमिशन नहीं ले सकते। लेकिन जब ये अपने बैचलर के और मास्टर के ओपन करेंगे तो मैं एक और वीडियो बना दूंगा तो ताकि आप उसको देख सकें। वैसे मैं आपको ये बता दूं कि जैसे ही इस यूनिवर्सिटी के एडमिशन ओपन होंगे तो मैं एक मेल आपको अपनी नई नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर मैं कम्प्लीटली एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह इसके अंदर आपने एडमिशन लेना, किस तरह ये वाला फॉर्म आपने आके फिल करना है। और इस यूनिवर्सिटी के अंदर भी एडमिशन मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ऑलमोस्ट 80% 90% स्टूडेंट्स को, जिनके 50% से भी अबव होंगे उनको भी दाखिला यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।